हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो पे आपके सामने हम एक बहुत अच्छा ट्रिक्स लेके आए हैं। तो इस ट्रिक्स के सहायता से आप बहुत आसानी से आपकी सेटअप बॉक्स पे आप बिना कोई वाईफाई कनेक्ट करके आप इंटरनेट चला सकते हो। मोबाइल के इंटरनेट के साथ आपकी सेटअप बॉक्स कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आज की वीडियो पर हम वो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप पूरे एंड तक देखिए। बिना किसी वाईफाई यूएसबी वाईफाई को कनेक्ट करके, यानी आपके पास इस तरह की वाईफाई या इससे अलग जो वाईफाई आता है वो किसी भी कोई वाईफाई की आवश्यकता नहीं है। ओके, आप अपने मोबाइल के इंटरनेट डायरेक्ट आपकी सेटअप बॉक्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हाथ पे ये पगाड़िया का बॉक्स है। ओके, और एक चीज़ है मेरे हाथ पे, ये केबल। ओके, ये केबल की सहायता से हम मोबाइल के इंटरनेट डायरेक्टली सेट टॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। पहले भी हम वीडियो बनाए हैं और वहाँ पे कुछ दोस्तों की कमेंट है कि ये नहीं चलते, ये फेक है। दोस्तों, ये सभी सेट टॉप पे चलते नहीं है। ओके, पहले तो हम बताएं, ये जो ट्रिक्स है ये सभी सेट टॉप से नहीं चलते हैं। ये NK का बोर्ड है। ओके, तो इस बोर्ड पर, इस हार्डवेयर पर ये सपोर्ट करता है। ओरिजिनल सेट जो सॉफ्टवेयर है उस पर ही सपोर्ट करता है। तो हम ये आज आपको पूरी कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो ये केबल है क्या, ये एक डाटा केबल है। ये पावर बैंक के साथ आता है। अगर आपके पास ये छोटा केबल नहीं है तो आप आपके मोबाइल चार्जर की जो केबल है वो ले लीजिए। ये USB इसके पीछे ये कनेक्ट हो जाएगी। हम आपको TV पे कनेक्ट करके दिखाएंगे। ओके, सोचने की कोई, घबराने की कोई बात नहीं है। आप पूरे एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। और पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल से कोई फेक वीडियो नहीं आता। ओके, अगर हम आपको ये ट्रिक्स बता रहे हैं तो ज़रूर ये ट्रिक्स वर्क करेगा, लेकिन ये सभी सेट बॉक्स पे नहीं करेगा। आपके पास जो भी सेट बॉक्स है आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं करे तो आप अलग बात है, आपको USB वाईफाई डिवाइस आपको खरीदना होगा। ओके, अगर आपके पास ये सपोर्ट ना करे तब भी, वाईफाई खरीदने के बाद भी कभी कभी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम आपको हम बताते हैं, जब आप कोई USB वाईफाई सेट बॉक्स के लिए खरीदते हो तो ज़रूर वो टेराबाइट का होना चाहिए। ओके, ये हम लोगो भी आपको दिखाते हैं। ये इसका लोगो है। ओके, ये लोगो है। ओके, ये टेराबाइट का USB वाईफाई आप ज़रूर खरीदे तो ज़रूर सपोर्ट करेगा आपकी सेट बॉक्स। सॉलिक पे भी करता है, NK पे भी करता है, सभी सेट बॉक्स पे टेराबाइट का USB डिवाइस सपोर्ट करता है। तो आज हम डाटा केबल की सहायता से आपके मोबाइल के इंटरनेट सेट बॉक्स पे कनेक्ट करेंगे। ये संभव है। कैसे, ये जो USB पॉइंट है ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है ये मोबाइल की जो पोर्ट है यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों कनेक्ट हो गया है। ये कनेक्ट होते ही आपको यहाँ पे शो होगा मोबाइल चार्ज हो रही है। ओके, जब आप USB किसी भी पॉइंट पे अभी इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कनेक्ट होने के बाद चार्ज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं। ओके, तो आपकी मोबाइल चार्ज दिखाएगा। तो गाइस, इस तरह की कनेक्शन होने के बाद आपको मोबाइल की जो सेटिंग्स है, सेटिंग ऑप्शन पे आना है। ओके, हम यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते, हम TV पे आपको चला के दिखाएंगे। तो हम पहले आपको बोल रहे हैं, आप देख लीजिए, आपके मोबाइल की सेटिंग्स पे आना है। वहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा अदर्स सेटिंग या अदर्स वायरलेस कनेक्शन सेटिंग्स। ओके, अदर्स वायरलेस कनेक्शन, इस तरह की जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन शो होगी। पर्सनल हॉटस्पॉट शो होगी, ब्लूटूथ टेथरिंग शो होगी। ओके, वाईफाई डायरेक्ट शो होगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा USB टेथरिंग। ओके, USB टेथरिंग ऑप्शन, हमने यहाँ पे USB कनेक्ट किया और तो हमें यहाँ पे USB टेथरिंग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, USB टेथरिंग ऑप्शन पे जाना है और उसको ऑन कर देना है। ओके, सिर्फ आपको यही काम करना है, USB टेथरिंग ऑन कर देना है। और इस टाइम आपको ध्यान रखना है आपके मोबाइल की जो इंटरनेट वो भी होना चाहिए। मोबाइल का जो इंटरनेट है वही तो इसके साथ कनेक्ट होगा, तो आपके मोबाइल पे ज़रूर इंटरनेट होना चाहिए। ओके, कनेक्शन को ऑन कर दीजिए और USB टेथरिंग ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिए। ओके, तो आप इसके बाद चलिए हम TV पे चलते हैं। तो गाइस, फिलहाल हम TV पे आ गए हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पे कोई किसी तरह की वीडियो पे काट नहीं लेंगे। ओके, तो ये रहा USB वाईफाई डिवाइस जो मैं यहाँ पे आपके सामने में रख रहा हूँ, ये साइड पे। ओके, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, आपको दिखाई देगा। ओके, तो हम यहाँ पे ये USB केबल को हमने कनेक्ट कर लिया। किसी दोस्तों की अगर ये कनेक्ट नहीं हो वो कहेगा ये फेक वीडियो है, भाई ऐसा कुछ नहीं है और मेरे चैनल से कभी फेक वीडियो नहीं आते। ओके, तो यहाँ पे हमारी मॉनिटर है, ये पगाड़िया का बॉक्स है। तो यहाँ पे हम स्वेप, ये पीछे आप देखते रहिए,
सिर्फ यूएसबी डिवाइस। हमने यहाँ पे जो RG6 का कनेक्शन था, केबल कनेक्शन, उसको भी हमने हटा दिया यहाँ पे। सिर्फ हम यहाँ पे ये लगाया और ये पावर का HDMI लगाने के बाद ये पावर का लाइन लगा रहा है। ओके, तो हमारी टीवी यहाँ पे ऑन हो जाएगी। सेटअप बॉक्स ऑन हो गए हैं, ये आप लोगों देख सकते हैं, सेटअप बॉक्स ऑन हो गए, ये केबल है। ओके, फिर से हम पीछे से फिर से हम पीछे आपको दिखा रहे हैं ये। ओके, इस बार हम यहाँ पे मोबाइल को हम ऑन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मोबाइल को ऑन कर लेंगे। ओके, मोबाइल पे आप देख सकते हो बहुत सारी कनेक्शन, USB टेथरिंग ऑप्शन यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही है, जब हम कनेक्ट करेंगे तब शो होगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल चार्ज होना शो होगा। ओके, तो और इस तरह का ऑप्शन आएगी, आप कैंसिल कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए, इस बार USB टेथरिंग ऑप्शन आ गया है। ओके, तो हम आपको TV पे लिए चलते हैं। ये रहा, अभी भी आप देख सकते हो पीछे कुछ भी नहीं कनेक्ट है। ओके, सभी तीनों चीज़। तो हम TV पे मेनू ऑप्शन पे जाके हम इंटरनेट सेटिंग्स ऑप्शन पे जाएंगे। ये नेटवर्क सेटिंग ऑप्शन है, ये नेटवर्क सेटिंग ऑप्शन है, इसके ऊपर हम ओके करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो इनवैलिड शो हो रही है। ओके, अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनवैलिड शो हो रही है। थोड़ा लाइट हम कमा रहते हैं, हाँ। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इनवैलिड शो हो रही है। तो इस बार हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम ये कनेक्ट है मोबाइल पे आएंगे। ये देखिए, हम USB टेथरिंग ऑप्शन को ऑन कर रहे हैं। ओके, जब हम ऑन किया वो आप देख सकते हो कनेक्टिंग लिखा आ रहा था और आप कनेक्ट लिखा आ रहा है। ओके, या पीछे भी देख सकते हो कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं है। फिर से हम कर रहे हैं, ये आप कर दिया हमने, वहाँ पे इनवैलिड हो गया। आप वहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम USB टेथरिंग ऑप्शन को ऑन करेंगे वो देखो कनेक्टिंग और ये कनेक्ट। ओके, और यहाँ पे हम डाटा ऑन है हमारी मोबाइल पे, तो हम इस सॉफ्टवेयर पे YouTube नहीं चल रही है। ओके, तो हम आपको वेदर कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखो वेदर आ गया है। तो इसका मतलब इस सेटअप बॉक्स पे इंटरनेट कनेक्ट हो गए हैं। तो ये कैसा हुआ, तो ये USB टेथरिंग नाम का एक ऑप्शन है जिसके द्वारा, और ये डाटा केबल की सहायता से हुआ है। अगर आपके पास डाटा केबल इस तरह की नहीं है तो मोबाइल चार्जर की जो केबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है। तो आप पीछे एक बार देख लीजिए, ये कनेक्ट है सब कुछ, USB टेथरिंग, पीछे कुछ भी नहीं है आ रही है। तो गाइस, वाईफाई के बदले जो डाटा केबल की कनेक्शन हमने बताया, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार कोई दोस्तों देख रहा है तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर बनी रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी ऐसी बहुत अच्छा ट्रिक्स के साथ। थैंक यू एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।